यार इंडिया में जितने फेस्टिवल होते हैं मुझे लगता है सबको पसंद आते हैं, और वो हमारे इंडिया के फेस्टिवल हम चार चार पांच पांच दिन मनाते हैं, तो मुझे लगता है हम सबका फेस्टिवल है, तो मज़ा आता है मुझे सबको मिलने के लिए, इनवाइट करते हैं तो वहाँ पे शीर खुरमा खाने के लिए। यार उनके साथ ना बहुत सारी दुआ है, बहुत सारी दुआ है उनके साथ, मुझे नहीं लगता उनको कुछ होगा, होपफुली वो सेफ है, अभी हमारे को आपके थ्रू ही पता चलता है तो सेफ है, ऊपर वाले की दुआ है उनके साथ। क्या आपकी सलमान सर से बात हुई इस बारे में, काफ़ी लोग उनके घर पे? नहीं नहीं, अभी उनके साथ है कुछ अच्छे लोग, बड़े लोग जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सेफ है, और ऊपर वाला उनके साथ है, बहुत लोगों का प्यार और ब्लेसिंग उनके साथ है, कुछ नहीं होगा उनको। फैंस के साथ मिलना जुलना होता रहता है, हाल ही में मुनव्वर भी गए थे मोहम्मद अली रोड, वहाँ पर उनके फैंस उनको पकड़ के अंडे वंडे की बरसात थी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है धक्का मुक्की आपके ऊपर कुछ फेंका है फैंस के थ्रू? नहीं यार मेरे साथ हुआ तो नहीं है, बट आपने जो मुझे चीज़ बोली वो भी गलत है, मतलब आप फैन हो या ना हो किसी के साथ ऐसा ना करो, अगर वो एक पब्लिक फिगर है, वो कुछ अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं लगता आपको गुस्सा भी आता है, तो ये तरीके से मत करो, आज वो है कल चल के आप हो गए, आपके फैमिली में से कोई होगा, ये अच्छा नहीं लगता। सगड़ा खूब खूब शुभकामनाएं सभी को, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी के लिए किया है वो वैसे ही रहे, वैसे ही बने रहे, कुछ लोग उसके साथ थोड़ा खेल भी कर रहे हैं होपफुली, बट मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। सबको बहुत बहुत बधाई सर, और खुश रहो, हेल्दी रहो। आप कुछ बताना चाहोगे ईद किस तरह से आप मनाते हो? फहमिदा जी का और जायद जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने इस मुबारक महफिल में हमको आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच फहमिदा जी। आज के दिन काफ़ी अहमियत है, आज के दिन ईद भी है और बाबा अम्बेडकर का जन्मदिन भी है, नवरात्रि भी चल रहे हैं, हिंदुस्तान में सब एक खुशी माहौल के मजे देना चाहते हैं। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शर्लिन, आज सुबह 5 बजे सलमान सर के घर के बाहर फायरिंग हुई, आप अगर कुछ बताना चाहोगे, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी कुछ हुआ उस घटना पे, आपका क्या टेक है इस पे? आज भी ऐसा हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए आज के ज़माने में। बस इसे ही कहते हैं भारत देश, जहाँ हर फेस्टिवल, हर कल्चर को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, एंड वी आर ग्लैड दैट हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, और क्या चाहिए। मैम, जिस तरह के मुंबई में नए दिन की घटना हो रहा है, कल लास्ट घटना हो, सलमान खान घर में फायरिंग हुआ है, आई नो, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं क्या मैसेज दूंगी, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, सलमान सर के घर पर जो आज खबर मिली सबको, इट्स वेरी स्केरी, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि वो उनका परिवार सब ठीक है, एंड प्लीज़ जो भी ये कर रहे हैं बैक ऑफ, कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की, जस्ट लिव एंड लेट लिव। जब आपको पता चल कुछ बातें हुई, आप सलमान सर से आपको बहुत प्यार करते सलमान जी, तब कुछ बातें हुई आपको कुछ बात? नहीं नहीं यार, वो जिस माहौल में वो इस वक्त होंगे, जिस मेंटल सेटबैक में वो होंगे, मतलब इट्स टू मच फॉर हिम टू यू नो बी डिस्टर्ब फॉर दैट मैटर, बट आई रियली होप हिम वेल एंड विश दैट ही सेफ एंड हिज फैमिली सेफ एंड कंटिन्यूज एंटरटेनिंग अस एज ही हैज ऑलवेज बीन डूइंग। जी आई एम नॉट अलाउड टू टॉक, सो जब वक्त आएगा तो द मेकर्स विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट, तो थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो मैं तब से ईद सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं हर रिलीजन का जो भी है, वेदर इट्स क्रिश्चियनिटी, वेदर इट्स यू नो मोहम्मदन, वेदर इट्स, एंड आई हैव वर्कड अ लॉट इन जामा मस्जिद इन दिल्ली डूइंग सोशल वर्क, और अब मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ पे हम बांद्रा में जितना भी सोशल वर्क कर सकते
अबाउट दैट। अनु जी, काफी लोग आप फैंस लोग जो पुराने हैं नए हैं सब लोग जानना चाहते हैं कि राहुल राय और अनु अग्रवाल के साथ में फिर से देखना चाहते हैं, कब ऐसा होगा? आई हैव एब्सोल्यूट, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। देखिए, फ्यूचर का किसको पता होता है? किसी को पता नहीं है। और हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, राहुल के बारे में मैं नहीं जानती, उससे मेरी बात काफ़ी दिन पहले हुई थी, तो उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, यू नो। सो ऑल द बेस्ट टू राहुल फॉर गेटिंग वेल। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अब इंडस्ट्री में स्टेप वापस रख रही हूँ, और वो दो डेकेड्स के बाद हो रहा है। क्या बात है, क्या बात। तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम बैक, कमिंग बैक होम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस आ रही हूँ। क्या बात, क्या है, वेब सीरीज है, मूवी है, क्या है, जानना चाहते हैं क्या है? जो भी, अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो जो आता है इंटरेस्टिंग, जो रोल होगा अच्छी, जो वो करेंगे। थैंक यू। ईद मिलन का शो है, एक्सट्रीमली थैंकफुल टू जाहिद भाई दैट माई बैंड अर्श का सूफिस्तान जो आपकी दुआओं से इतना रॉक कर रहा है। आज जाहिद भाई ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है परफॉर्म करने के लिए, सो वी आर गोना रॉक इट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, जो आप सबका प्यार मिलता आया हमेशा। आजी भाई, आपका सूफी नाइट है, आपका प्रोग्राम है, क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह के? वी विल गोना रॉक इट। और आज लेजेंडरी वायलिनिस्ट और लेजेंडरी आर्टिस्ट सब मेरे साथ परफॉर्म करें, एंड इट विल गोना बी अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईद के लिए, हाँ ईद के लिए मैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें के बहुत ही पवित्र त्यौहार है ये, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और खुशियाँ बांटता है ये त्यौहार। तो मैं तो हमेशा ईद का इंतज़ार करता हूँ, और मेरा मन ये करता है कि पूरे साल मैं रोज़े रखूँ, क्योंकि जब रोज़े रखे जाते हैं उसके बाद जो तबीयत में खूबसूरती आती है, आपकी तबीयत हमेशा खुश रहती है, हरी भरी रहती है, आपकी सेहत में कहीं कोई ख़राबी नहीं रहती है। अगर कोई भी आपकी सेहत में ख़राबी है या खामी है तो वो अपने आप दूर हो जाती है। तो मैं यही चाहूँगा कि बार बार इसी तरह से मैं रोज़े रखूँ, रमज़ान मनाऊँ, और ऐसे ही ईद मिलन पे भाईजान के साथ आता रहूँ। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन, ईद मुबारक। बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट लग रही है। शौकत शेख को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की, एंड विशिंग देम ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। ईद की पार्टी है, ईद मुबारक सबसे पहले, और मेरी तरफ से, हम सबों की तरफ से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद सबको। खुशी, खुश रहिए, अमन रखिए, दुनिया में बहुत ज़रूरी है, अमन की बहुत सख्त ज़रूरत है। आजकल लोग एक दूसरे की गर्दन के पीछे पड़े हुए हैं, तो उससे बेहतर है कि खुशी के मौके पर यही पैगाम दिया जाए कि अमन कायम रखिए, इंसानियत पहले, बाद में सबके रिलीजन और उनके जो भी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहोगी, इसकी क्या यादें हैं आपकी, कुछ अगर शेयर करें? ईद की तो बहुत सारी यादें हैं, दुबई में बड़ी हुई हूँ तो बहुत सारी ईद की तो दुबई की यादें हैं, नो डाउट अबाउट इट। फेवरेट स्वीट्स आपकी अगर कुछ? अभी आजकल मैं ऑफ शुगर हूँ तो स्वीट्स का नाम मत लो, सेवैया ही होनी चाहिए, ईद का टाइम है तो, ईद का टाइम है तो सेवैया ही होना चाहिए। Anything coming up? Too many things are coming up. Nowadays I am not to be seen anywhere. There is a specific reason. So everybody please keep, wait. कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। लाइनअप में है बहुत सारी चीज़ें। राइटर हूँ तो शायद राइटिंग के हिसाब से कुछ लाइनअप है। थ्री बुक्स नो, बहुत सारी बाकी लोग की लाइफ मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो शायद उन्हीं पे फोकस किया जाए। मेरी लाइफ में अब कुछ रहा नहीं है, सब कुछ आप लोग ने छाप दिया। आपकी बेस्ट फ्रेंड रिंकू मैम भी अंदर है, पता है मैं लेट हूँ। ओके बाय, थैंक यू। तो सबको ईद मुबारक, ईद का जो टाइम है बहुत अच्छा फेस्टिवल है और इसको एंजॉय करना चाहिए। और अभी फिलहाल में मैं देख रही हूँ अंदर क्या माहौल है। आज का आउटफिट के बारे में? आउटफिट के कुछ नहीं, बस शूट से आ रही थी तो जो मिला मैंने पहन के आ गई। किस चीज़ की?
अभी बस जो आ रहा है तो बताएंगे जल्दी। फिल्म भी है, वेब भी है, दो तीन चीजें लगी। आगे का क्या प्लान है आपका? प्रोफेशनल बड़े पर्दे पे आना है। मुबारक आप सभी सभी को। क्या उम्मीद है आज की शाम को लेके? यार ये शाम मतलब ये क्या कह सकते हैं यार, ईद के बारे में तो और बस शेरकुरमा खाएंगे और बिरयानी खाएंगे, वही है होता है ईद में, और क्या होता है, और प्यार बांटते रहेंगे बस ऐसे ही। बस यार ये आप ही की वजह से, आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार देते आए हैं हमारे पिछले शोज़ की वजह से भी और अभी के शोज़ की वजह से, तो ये प्यार ऐसे ही बढ़ते जा रहा है आपकी वजह से, एंड ऐसे ही शोज़ देखते रहिए हमारा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे आज के आउटफिट के बारे में? शुरुआत ऐसा मौका है उस हिसाब से तैयार होके आई हूँ। सभी को जिनको मैंने अब तक विश नहीं किया उनको सभी को ईद मुबारक। एंड हम दोनों पहली बार ऐसी ईद पार्टी में आए हैं, इनवाइटेड बाय फामिदा जी। सो वी रियली लुक फॉरवर्ड टू द पार्टी, द इफ्तार पार्टी। एनी मेमोरीज ऑफ ईद, बचपन की कोई यादें ईद को लेके दोस्तों के साथ, एनी ऑफ योर फ्रेंड जिसके घर पे जाके ईद के वेट करते थे आप लोग? ईद की ऐसे एज सच मेमोरीज तो नहीं है यार, बट हाँ जब मैं भोपाल से हूँ तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, तो स्कूल के बाद मैं ईद में मतलब स्कूल में ही आ जाता था सारा खाना, बट एज सच ऐसे ईद पे घर पे जाना आना तो नहीं होता। मैं ईद पे सेवइयों के लिए कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती हूँ, ये मेरे सारे दोस्तों को पता है। पूरे साल का जो सेवइयों का शीर कोरमा का जो कोटा है मैं उस दौरान पूस लेती हूँ। इंस्टाग्राम पे धूम मचे हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे फोटोज एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी मिलते हैं, पीपल लव यू, टेल अस समथिंग अबाउट इट। माई हस्बैंड इंस्पायर्स मी यार, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिनड हैं, मतलब उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ मैं, तो मैं भी और डिसिप्लिन हो गई हूँ इन ऑल एस्पेक्ट्स। Would you like to say something? Yeah, I just be myself and she likes to be with me. मैं जिम जाता हूँ तो मेरे साथ आ जाती है। एंड यू नो व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन आप लोगों को लग रहा है मैं धूम मचा रही हूँ, मैं तो बहुत सालों से धूम मचा रही हूँ। आई रियली फील दैट इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर एन एक्टर यू आर नॉट एन एक्टर, डिसिप्लिन इज ऑलवेज बीन विद मी थ्रू आउट माई लाइफ। सो उसी वजह से काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में भी जब से हूँ तो काफ़ी लोग इंस्पायर होते थे मुझे देख के, काफ़ी लोग जिम भी जाते थे, आई यूज टू फील गुड, जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, व्हाटएवर, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरत है, जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइस, सेंटर में देखना। और फमीदा दीदी को बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं। ईद एक ऐसा त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है, और एक महीने के कड़े परिश्रम और उपास के बाद हम सब एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलते हैं, और ये दोनों बहुत अच्छा काम करें, जिस तरह का इन्हें लोगों के लिए मदद की है सब जगह, बांद्रा से लेके बोरीवली से लेके टाउन तक, कोई भी पेशेंट आता है सीधा बोलते हैं जाहिद भाई अभी करवा के देते हैं हम, अभी फमीदा दी बोलती मैं अभी डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, तो कोई भी हार्ट सर्जरी हो किसी भी तरह की सर्जरी हो ये तैयार रहते हैं मदद के लिए, और सिर्फ इलाज के लिए ही नहीं, अगर किसी भी इंसान जो जेन्यून है उसकी मदद करनी हो तो ये दोनों उसकी शक्ति बन के खड़े होते हैं। तो मैं गोवानी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक दोनों को बोलती हूँ, और ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा परिवार है, और बहुत अच्छा लगा मुझे अपने परिवार के बीच आकर। ईद मुबारक आप सबको भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। मेरी जानिब से देश भर के लोगों को, दुनिया भर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की पुरखलुस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हमारे दोस्त जाहिद यूनुस खान साहब ने बांद्रा के अंदर इतना बड़ा माशाल्लाह ईद मिलन का प्रोग्राम रखा, बहुत खुशी की बात है, यहाँ से पूरा मैसेज जाता है दुनिया भर के अंदर, देश भर में, कि हम यहाँ से अमन, शांति और मोहब्बत का पैगाम भेजते हैं। आज आपने देखा होगा मुंबई की जानी मानी हस्तियाँ सबको जाहिद भाई ने यहाँ बुलाया, और एक ईद मिलन का फंक्शन है, ईद का टाइम वक्त है, सब मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं और दुआ करते हैं देश भर में अमन शांति बनी रहे। शुक्रिया अदा करता हूँ जाहिद भाई का जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया और मौका दिया आपके साथ बात करने के लिए, शुक्रिया। ये बिल्कुल ये बहुत ही एक
दुखद बात है कि मुंबई जैसे शहर के अंदर कुछ अज्ञात लोग आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर और एक जो मशहूर फिल्म स्टार है उसके घर के सामने फायरिंग करके चले जाते हैं। तो हम तो बोले कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है, ये प्रशासन की जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक की सुरक्षा प्रोवाइड करें। और जब पता है आपको कि उनको ऑलरेडी थ्रेट है और इस तरह की घटना होना बांद्रा जैसे जगह पे जहाँ अच्छे सब लोग रहते हैं और फायरिंग करके चले जाते, अब तक उनका अता पता ठिकाना नहीं है, तो हम तो यही चाहेंगे कि मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, सक्षम है, पकड़े उनको जो भी, और इस तरह की आगे से हिंसा न हो इसकी पूरी जवाबदारी मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र सरकार की बनती है। थैंक यू सर।